कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त चरण को लेकर घोषणाएं की। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने बताया कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर सरकार का जो है वो खास फोकस इसमें रहा। हेल्थ सेक्टर में बदलाव करते हुए पब्लिक हेल्थ के निवेश को बढ़ाया जाएगा और साथ ही में ऐसी क्षमता तैयार की जाएगी जिससे कि आपात स्थिति में भी हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ ही मनरेगा के तहत आवंटित रकम में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा इसमें किया गया है। इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार हासिल होगा। इसके अलावा मनरेगा के तहत पहले बजट अनुमान 61,000 करोड़ था। निर्मला सीतारमण ने इस पर बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया है ताकि कुल 20 करोड़ जन धन खातों में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसके अलावा 8.19 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बीस लाख करोड़ के राहत पैकेज का पांचवी किस्त का आज ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ये आखिरी किस्त रही। इसमें सभी का 4 L's पर यहाँ पर फोकस रहा। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर यहाँ पर खास फोकस रहा। बीते 5 दिनों से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। आज उसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर यहां पर फोकस किया गया। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जो पांचवी किस्त का यहां पर ऐलान किया गया 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में, उसमें 4 L's पर यहां पर फोकस दिया गया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और साथ ही में लॉ पर, पूरे क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए यदि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, लगातार इस बात के आरोप लग रहे थे कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है उसमें सीधा पैसा लोगों की जेब में नहीं पहुंचेगा, लगातार इस बात को उठाया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि 20 करोड़ जो जन धन खाते थे उनमें जो पैसा डाला गया था वो सीधा एक तरह से लोगों के खातों में ही गया है, नगद लिक्विडिटी पहुंची है। इसी तरह से 40,000 करोड़ रुपए का जो मनरेगा के तहत प्रावधान किया गया तो वो भी सीधा सीधा कहीं न कहीं जो सीधा मजदूरों के खाते में पैसा जाएगा। इसके अलावा किसानों को जो पैसा दिया गया है वो भी उनके अकाउंट में डाला गया है, तो कहीं न कहीं वो सीधा पैसा जो है मजदूरों के खाते में जाएगा, किसानों के खाते में जाएगा। तो लगातार जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा था केंद्र सरकार पर कि जो है केंद्र सरकार ने सीधा कोई मनी ट्रांसफर नहीं की है और जिसके चलते क्योंकि उद्योग धंधे नहीं चल पाएंगे, सरकार का सबसे बड़ा आरोप यही था विपक्ष का कि जिस तरह का बजट तो घोषणा कर दी है, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी बना दिया है, लेकिन सारा जो पैकेज है वो सिर्फ और सिर्फ लोन देने के लिए है। सरकार जो है एक साहूकार की तरह काम कर रही है, जबकि सरकार को जो है काम करना था एक आम आदमी के लिए जिससे लोगों की जेब में पैसा आए। तो ये जो तमाम चीजें की गई है जैसे कि मनरेगा के तहत जो बजट का प्रावधान किया गया है, अब जितने भी प्रवासी श्रमिक अपने राज्य में जा रहे हैं उनको मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा तो वो पैसा भी सीधा श्रमिकों को पहुंचेगा, जो बेरोजगारी वो भी खत्म होगी। साथ में जो किसानों में उनके पहुंचा नगद पहुंचा है और जो महिलाओं के खाते में जनधन अकाउंट के माध्यम से पैसा पहुंचा है वो भी उनके अकाउंट में पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इससे जनता को राहत मिलेगी और जो आर्थिक संकट इस समय झेल रही है पब्लिक वो कहीं ना कहीं दूर होगी, क्योंकि काम के अभाव में लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। तो परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तभी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तभी उसका प्रोडक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये बात लगातार कही जा रही थी उससे इसमें राहत मिलने वाली, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, ये 4 चीजों पर, यानी कि जब इन चारों पर ही काम किया जाएगा तभी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ सकेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जहां तक लोन की बात है, क्योंकि जब तक लोन नहीं मिलेगा तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है या MSME की इंडस्ट्रीज है वो सब दम तोड़ देगी, बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे, क्योंकि उसमें ब्याज में छूट दी गई है, कहीं उसमें किस्तों में छूट दी गई है, तमाम तरह की रियायतें देने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकार
से जो राज्य सरकारें उम्मीद कर रही थी कि उनको कोई बजट मिलेगा अलग से, तो वो बजट नहीं मिला जी। सरकार आज भी राज्य सरकारें कल तक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो है बजट से बड़ी उम्मीद है, आर्थिक जो पैकेज घोषित किया उससे उम्मीद है, लेकिन जो ये पैकेज घोषित किया गया है इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो यानी कि जो राजस्थान सरकार हो, चाहे दूसरी प्रदेशों की सरकार हो, चाहे जो ममता बनर्जी हो, तमाम जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या मदद की है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या फंड दिया है, तो वो कहीं के इससे अभाव नजर आ रहा है। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी।